सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ एक्टिव विंडोज़ ऐसा है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा आ गया है तो आपको क्या करना है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में लिखना है आपको विंडोज़ एक्टिव, तो इस पर क्लिक कर देंगे। आपको आप भी क्लिक कर देना अपने क्या बोलते हैं सिस्टम पर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारा जो विंडो है एक्टिव नहीं है। तो चलिए इसको नीचे कर देते हैं अपन और आपको और दिखाते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पर इसके यहाँ पर माय पीसी में करके राइट क्लिक कर देना प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा विंडो यहाँ नीचे में हमारा विंडो क्या है एक्टिव नहीं है। ये यहाँ पर दिखाया है, देखो आप लोग देख सकते हैं। चलो इसको कट कर देते हैं। तो इसके बाद आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है विंडोज़, यहाँ पर आपको टाइप करना है विंडो 10 एक्टिवेटर txt फाइल से कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट साइड को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए कर क्या बोलते हैं कंट्रोल सी दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कॉपी कर लेना है आपको दोस्तों। उसके बाद आपको नोटपैड ओपन कर लेना है डेस्कटॉप में जाकर। तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में आ जाना है। उसके बाद यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको लिखना है सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको active.bat ऐसा करके लिख देंगे। उसके बाद सेव कर देना है आपको डेस्कटॉप पर। तो चलो सेव कर लेते हैं अपन लिख कर। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले विंडोज़ का जो सिक्योरिटी है ना उसे आप थोड़ी देर के लिए क्या ऑफ़ कर देना है आपको। तो विंडोज़ सिक्योरिटी में चले जाना है आपको, और यहाँ पर विंडोज़ वर्सेस एंड इसको कर देना है। उसके बाद मैनेज सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद इन सभी को ऑफ़ कर देना है, इसको क्या पावर को ऑफ कर देंगे सभी को, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार और आप क्या बोलते हैं इसको सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है activate.bat, और जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इसे राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आप जो हमारा विंडो है वो एक्टिव होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हमारा जो विंडो है लगभग कबल तो एक्टिव होने वाला ही है, और ये हमारा विंडो क्या है सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नो कर देंगे, व्हाट यू लाइक टू विजिट माई ब्लॉग, तो नो कर देना है, ठीक है। एंड दबा देंगे, उसके बाद ये कट हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने ओपन करके आप देख लेंगे कि आपका विंडो एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आपको सर्च कर देना है विंडोज़ एक्टिवेशन से सिक्योरिटी में पर भी चले जाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिवेशन कोड है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में दिखा है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ डेस्कटॉप को खोले, उसके बाद दिस पीसी पर राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, और यहाँ पर देखेंगे नीचे में कि विंडोज़ इज़ एक्टिवेट, तो हमारा विंडो एक्टिव हो चुका है दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना।